हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स ऑल टाइम। आज हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड के बारे में। आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया है। आप देखिए, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है 2 दिन पहले। इसका फैसिलिटी क्या है मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, एनवीएसपी पोर्टल जो पुराना वाला है, मैं कुछ दिन पहले भी एक लॉन्च किया है, वहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हो, यहाँ पे नोटू न्यू कर सकते हो। पूरा यहाँ पे पूरा जो काम हो रहा था यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन इस न्यू वेबसाइट को लॉन्च करने का तरीका किस लिए किया है, क्या इसका फैसिलिटी मिलेगा, इसका आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, आपको फुल जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। देखिए, इस वेबसाइट का लॉन्च करने का कारण क्या है, इसमें क्या क्या सुविधा रहेगा, वो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे टिप्स ऑल टाइम में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर कोई भी सीएससी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हो, आपका हेल्प भी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने के पहले देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक में आपको वेबसाइट में आ जाना है। आ जाने के बाद देखिए, यहाँ पे पहले आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना है। देखिए, यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे साइनिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड एंड यहाँ पे टैग योर कॉम्प्लेन। ठीक है, यहाँ पे चारों चीज दिया गया है। तो फर्स्ट टाइम आपको साइनिंग करना पड़ेगा क्योंकि आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा जो है वो कैप्चा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मेरा जो कैप्चा है वो कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ओटीपी चला जाएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर में वो ओटीपी डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। ठीक है, जब भी सबमिट में क्लिक करेंगे आपको न्यू टैब खोल के आ जाएगा ऐसे। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अगर आपके पास एपिक नंबर है, आप न्यू वोटर कार्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप एपिक नंबर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप दे सकते हो। अगर नहीं है तो नहीं, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है क्योंकि अभी नहीं देंगे तभी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी है तो भी देख सकते हो, कुछ भी अगर है दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टेट है वो स्टेट दे सकते हो, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है मतलब आपका असेसमेंट जो है वो दे सकते हो। ठीक है, वो डालने के बाद यहाँ पे आपका अपडेट प्रोफाइल में जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन शो करेगा सक्सेस प्रोफाइल योर अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे तो अपडेट सक्सेसफुल हो गया है, आपका जो मोबाइल नंबर आईडी रहेगा और आप पासवर्ड जो क्रिएट किया हो वही आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे होम पे पेज में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है, यहाँ पे होम पेज डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो इसका अंदर क्या क्या काम होगा मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए आपको एक ही चीज आपको यहाँ पे अभी मिलेगा सर्विस। जैसे एनवीएसपी पोर्टल में तो आप मान लीजिए आपका वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका वोटर कार्ड नहीं बन रहा है, आप करेक्शन कर रहे हैं, आपका करेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी आपका दिक्कत होता है, कोई भी आप प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहा है लेकिन आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसके कारण इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे कंप्लेन का ऑप्शन दिया गया है अभी कंप्लेन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपको 72 घंटा के अंदर आपका जो कंप्लेन है वो आपको इशू क्लियर कर दिया जाएगा। इसके कारण इस वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे कंप्लेन कैसे करेंगे, देखिए आपको अगर आप कोई भी कंप्लेन करना चाहते हो फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लेन में क्लिक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन में जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, फर्स्ट टाइम चूज कंप्लेन टाइप, मतलब आप सिटीजन जो भी है आपका डाल दीजिए, मैं सिटीजन तो सिटीजन डाल देता हूँ। उसके बाद आपका चूज सब्जेक्ट, आपका किसके लिए आपका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, आपका फोटो स्लिप कोई भी आपका वोटर का कोई भी आपका प्रॉब्लम है, जो आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैं एपिक कार्ड के लिए चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एपिक नंबर है वो एपिक नंबर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो आपका वोटर लिस्ट नाम में नहीं आ रहा है। जो भी आपका रीजन रहेगा वो रीजन आप यहाँ पे डाल सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है यहाँ पे आपका रीजन अगर है तो यहाँ पे रीजन दीजिए, अगर नहीं है तो आधार से भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ आपको यहाँ पे लिख देना है और आपका जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड आपका जो प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ
जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी है आपके पास यहाँ पे 200 KB के अंदर आपको JPG PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में जब भी क्लिक करेंगे आपका जो कंप्लेन जो आपका सॉल्व नहीं हो रहा है NBCT पोर्टल में, ये प्रॉब्लम यहाँ पे 72 घंटे के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे आपका सॉल्व हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखिए स्टेटस योर कंप्लेन, इसमें जब भी क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपका जो भी स्टेटस है ओपन, यहाँ पे इन प्रोसेस रिसॉल्व, आप यहाँ पे वॉल शो करके शो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं कुछ कंप्लेंट नहीं किया हूँ, आपको दिखाने के लिए सिर्फ डेमो दिखाया। देखिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा, इसके कारण ही इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो यही एक छोटी जानकारी थी। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए।